So, सबसे पहले तो भाई मैं बोलूंगी कि सोशल मीडिया के टाइम में जहां पर बहुत नेगेटिविटी होती है वहां पर पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा है. और बिल्कुल जिस तरीके से मतलब जितना क्विक रिस्पॉन्ड किया गया है, मैं कहूंगी विदाउट एनी बैरियर आप अपनी बात जो है वो डायरेक्टली पीएम को भी बता सकते हो. बट वहां पर ये बड़ी चीज जरूरी है कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है. गवर्नमेंट हाई स्कूल देखा. पीछे आपने एक वीडियो डाली थी, हाँ जी सर. तो किस लिए थी, क्या बात हुई? सर हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था. देखो हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया. इसलिए हमने नया हमें हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम आईएएस ऑफिसर बन सके. तो बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? धार से भी आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं, मल्हार से भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं इधर. अभी क्या उम्मीद करती हैं? मोदी जी आपकी बात सुनी है उन्होंने और हाँ आपकी बात को मानेंगे वो? हाँ जी सर. हाँ जी सर. तो आपके जो प्रधानमंत्री है वो सबका होता है, तो आपको कैसे लगा कि आपकी प्रधानमंत्री आपकी बात सुन लेंगे? सो वो सबकी सुनते हैं, पूरी देश की सुनते हैं, इसलिए मेरी भी सुने वो उन्होंने सुन ली. तो कैसा लग रहा है आपको, कितनी खुशी हो रही है कि आपके स्कूल को? मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, यहाँ हमारा स्कूल नया बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. नया बन रहा है स्कूल विल बी रेनोवेटेड. वाह बहुत बच्चे आते हैं, कम लगभग 300 बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है. oh. और काफ़ी दूर से आते हैं सर, धार से आते हैं, डब्बी से आते हैं, थल से आते हैं, इधर नीचे इलाका है वहाँ से भी आते हैं, नाले पार से भी आते हैं सर, कारखाना से भी काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल सुबह सुबह आते हैं दूर से. तो मुश्किल तो होती है सर पहाड़ों में इतनी दूर दूर स्कूल आना. हम यही चाहते हैं कि अब मेरी बेटी जैसे बोलती मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अब वो जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं लेगी तब तक वो आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगी. इसका बस एक ही मोटिव था कि बस वो पूरे देश की सुनते हैं, वो मेरी भी सुनेगी, वो ज़रूर सुनेंगे. और इसी मोटिव को लेते हुए इसने इन्होंने मतलब सारी चीज़ें मोदी जी के सामने ला के रख दी. ये बिल्डिंग जो है ये 2014 में सर काम शुरू हुआ था, तो इसका सबसे पहले ये अनकम्प्लीट है. अभी देखें इसकी जो खस्ता हालत है सर, देखें कि क्या 2014 में काम लगा, अब 2023 है, कितना टाइम लगता है एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए. अब तो गवर्नमेंट के पास या जिन्होंने भी ये काम लिया कि बहाना नहीं है कि रोड नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री ने रोड अब तो कहीं के कहीं पहुँचा दिया, अभी कोई भी ये बहाना नहीं है. लेकिन ये अनकम्प्लीट क्यों है, गलती किसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ठेकेदार की है, इसको पूरा वेरिफिकेशन होनी चाहिए. जिसकी भी गलती होगी उसे सर सामने लाना चाहिए. इस बिल्डिंग के अलावा जिसकी बात बच्ची ने की थी, इसके अलावा भी यहाँ लगभग 1 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है स्कूल में ऑलरेडी सेंक्शन्ड है, तो वो काम थोड़े से रुके हुए थे पानी की भरने की वजह से या किसी वजह से, तो वो हमने शुरू करवा दिए हैं. उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का रूम है, वोकेशनल रूम है, हमारी आईसीटी लैब ऑलरेडी यहाँ चल रही है. तो जो यहाँ पे ये काम था, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी वजह से रुक गया था. अब इसको दोबारा से सरकार ने इसको फिर से शुरू कराने का निर्णय किया है. हालांकि जो जो कमी पेशियाँ पिछले पीछे रही हैं उसको पीछे छोड़ते हुए जो आगे का काम है वो करेंगे. पहले से ये करना था,
खड़ी बच्ची। उसको बोलते हैं जमा, ठीक है। तो भाई देखी थी वीडियो और हम ये सोच ही रहे थे कि भाई देख लेना कि अब वीडियो वायरल हो गया और स्कूल पर जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट होगा और जल्दी से जल्दी एक भाई बिल्डिंग भी तैयार, हर चीज तैयार होकर सामने आ जाएगी, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर आ गई और ऊपर से भाई उन्होंने रिक्वेस्ट भी पीएम मोदी जी को की है, तो जहरी बात है भाई अब तो हर चीज आपके सामने बन जाएगी। मैं हैरान हूँ भाई साहब, इतनी छोटी सी एज में इतना बड़ा एक तो सपना देखना, और दूसरे नंबर बात ये है कि ये जो बात यकीन माने जब हम इस लेवल पर थे ना, हम तो ऐसे ही थे कि चलो दुआ ही समझो दिल में होती थी कि यार टीचर ना ही है। ऐसी बात है ना, सही बस्ता फेंकना चल जी भाग गया, वो कभी खेल करते थे। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, सीधा जो है मोदी जी के अंडर है वो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सीधा है, तो उसमें कोई नहीं स्टेट नहीं कुछ नहीं। अब तेजी से काम होगा, क्यों? क्योंकि सारा सेंटर के अंदर है। सेंटर ने बोलना है, वो चेक कर रहे हैं, तभी वो भाई साहब जम्मू कश्मीर के भागे हुए आए थे, एजुकेशन के जो भी थे, कि वो बता रहे थे कि पानी पूनी की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्टर अटका हुआ है। वही बोल रहे हैं कि 2014 में बिल्डिंग शुरू हुई थी, 9 साल हो गए, और फुटेज भी दिखाई, वो बच्ची वाकई मिट्टी में बैठी हुई थी, बाहर बैठ छोटी सी बच्ची, मुझे पता नहीं इसकी उम्र कितनी होगी। उस बच्ची ने अपने स्कूल की हालत को देख के थोड़ी सी आवाज उठाई थी और मीडिया वाले वहां पहुंची और मीडिया ने ये बात दिल्ली तक पहुंचाई। 7-8 साल की बच्ची होगी। हाँ, दिल्ली तक आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची? उस बच्ची की वजह से ये काम जो रुका हुआ था वो दोबारा स्टार्ट हो गया, इतने बड़े फीसरों को वहां आना पड़ा। यार यहाँ पे मैं क्या बात है यार, बच्ची की एक छोटी सी बच्ची ने एक आवाज, ये ना इसका एक पार्ट जो है इस वीडियो में नहीं दिखाया गया, उसमें वो बच्ची कह रही है कि मोदी जी आप सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुने, ये मेरा स्कूल है और ये स्कूल गंदा हुआ पड़ा है, इसका फर्श टूटा हुआ है और हमें इतना नीचे बैठ कर कहा तो है कि मोदी साहब मेरी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारी बात सुनते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वो बच्ची बहुत ही प्यारी बच्ची है और जो उसके ने जो वीडियो बनाई थी और बहुत ही वायरल हुई थी, और अच्छा है कि हमारी सरकार ने इस वीडियो को देखकर उनकी सुनी और वहाँ के जो एजुकेशन डायरेक्टर है उनको बोला कि वहाँ जाकर इसका निरीक्षण करे और क्या दिक्कत है वो हल करे। तो आपके क्या विचार है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना भी।